वीडियो में प्रॉपर समझ में आ जाए। हमने स्पिन को शुरू कर दिया और कचरे देख। हे दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं अपने वॉशिंग मशीन के सर्विस के बारे में। आज मैं बताने वाला हूं आपको कि वॉशिंग मशीन की सर्विस कैसे कर सकते हैं अपने घर पर भी। यहां पे देखिए सारे कचरे जो है इकट्ठे हो चुके हैं और ये सारे कचरे को हम साफ करने वाले हैं। सबसे पहले हमको इसका स्क्रू जो है वो सब खोलना है और यहाँ से पीछे से कुछ स्क्रू जो है लगे रहते हैं वहाँ पे भी खोल लेना होता है, तो ये सब हम खोल लेंगे। ऑलरेडी हमने खोल के रख दिया है, उससे पहले हम इसको साइड में निकाल के रख देते हैं। और अब जो है बारी आगे जाने की, और देखते हैं इसमें आगे क्या क्या हमको करना पड़ेगा। सबसे पहले बता दूं दोस्तों, ये पीसीबी जो है हमारा, इसको हमको खोलना पड़ेगा सर्विस के लिए, और ये दरवाज़ा वगैरह सब हम खोल कर इसको सर्विस करने वाले हैं। किस तरीके से सर्विस होती है ये मैं आपको पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर जो है हमारे पास जो है वर्लपूल का स्टेन वॉश डीप क्लीन का 6.5 केजी का वॉशिंग मशीन है। उससे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले हमको पल्सेटर का जो नोब है उसको खोलना पड़ेगा। उसको खोलने के लिए हमको कोई भी नुकीले पदार्थ से खोल सकते हैं, जैसे चक्कू वगैरह, टेस्टर वगैरह से। अब इसमें 10 नंबर का डी लगता है, इसको आसानी से हम खोल लेंगे। खोलने के बाद जब हमारा ये पूरा नट ऊपर आ जाता है, उसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हमको हाथ से इसको ऊपर की तरफ से खींच लेना है कुछ इस तरीके से। अगर जो ये इस तरीके से बाहर नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लीजिए, आप एक पकड़ ले लीजिए। पकड़ लेने के बाद आप यहाँ से इसको ज़बरदस्ती खींचिए और ये बाहर आ जाएगा। बिना डर लगा के खींचेगा, क्योंकि इसमें टूटने फूटने का कोई टेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा कचरा कुछ इस तरीके से, कचरा ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको डीप क्लीन करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा जो कचरा है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अंदर बहुत थोड़ा बहुत जो कचरा है वो बना है। और यहाँ पे देखिए हमारा जो गेयर बॉक्स का जो पल्सेटर नोब है उस पर जाके कुछ धागे जो है वो अटक गए हैं। तो यहाँ पे अब हम इसको पूरे मशीन को जो है वो खोलने वाले हैं। तो अब इसको हम थोड़ा साइड कर लेते हैं। खोलने से पहले हमको पीछे से कुछ वायर जो है वो डिसकनेक्ट करने होते हैं। सबसे पहले हम सेंसर, वाटर लेवल सेंसर की पाइप जो है वो डिसकनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए इनलेट पाइप जहाँ लगता है यहाँ पे भी बहुत सारा कचरा जमा हो चुका है। और यहाँ पे दो नट हैं, इसको भी खोलना है। और ये पीसीबी हमारा ऑलरेडी नट खोल चुका हूँ मैं, इसको भी खोल कर इसके जो वायरिंग है वो मैं डिसकनेक्ट करने वाला हूँ। वायरिंग डिसकनेक्ट करते वक्त ध्यान दीजिएगा कि आपको टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके की वायरिंग इसमें की जाएगी, क्योंकि इसका जो सॉकेट है वो सेम टू सेम रहता है। इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वायरिंग में आपको कोई लफड़ा होगा, ये अच्छी बात है वर्लपूल की। तो यहाँ पे इसने बताया है कि जहाँ पे आपका सॉकेट है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे हम ये सॉकेट को ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पे जो है वो प्रेशर से वॉश करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसका जो है बोनट को खोल लेंगे। बोनट खोलने के बाद जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो बैलेंस पट्टी का है। ये बैलेंस पट्टी हम इसको यहाँ से खोलने वाले हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से, कुछ इस तरीके से आप खोल सकते हैं। तो यहाँ पे खोलते वक्त ध्यान दीजिएगा इसका लॉक जो है वो टूटने ना पाए, क्योंकि अगर जो ये लॉक टूट गया तो फिर आपका पूरा मशीन जो है वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस पट्टी आपको नया नहीं मिलता है। साइड में देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा कचरा है और जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा इसमें कचरा जमा हो चुका है। तो दोस्तों कचरे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, और यहाँ पर देखिए साइड बाई साइड आपको दिखा रहा हूँ कचरे बहुत ज़्यादा हैं। चलिए अब इसका हम जो है कार्यक्रम शुरू करते हैं। ये हमारे पास है कॉयल क्लीनर, जो कि सीशाइन के नाम से जाना जाता है, और ये हमारा ब्रह्मास्त्र है जो कि अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो हमारा ब्रह्मास्त्र है ये सारे मशीन को जो इसमें कचरा है उसको बाहर फेंक देगा। और इसको हम सेट करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से काम करता है। उससे पहले बाल्टी में हम पानी भर लेंगे और हमारा मशीन जो है वो सेट हो चुका है। अब यहाँ से जैसे ही हम यहाँ का प्रेशर दबाएंगे तो हमारा मशीन जो है वो चालू हो जाएगा। मशीन चालू होते ही इसका जो प्रेशर है वो थोड़ी देर में ही बढ़ने वाला है।
और यहाँ पर हमारे पानी का प्रेशर जो है वो हाई लेवल पे पहुँच चुका है। अब यहाँ पे देखिए इसकी धार इतनी तेज हो गई है कि कचरा क्या कचरे का बाप भी निकलेगा। तो यहाँ पे हम सफाई करने वाले हैं और यहाँ पे देखिए जैसे ही हम मशीन का प्रेशर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे सारे कचरे अपने आप उछल कर बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब हम केमिकल का इस्तेमाल करेंगे तब देखेंगे इसमें कचरे किस तरीके से आते हैं। यहाँ पे देखिए हम हर चीज़ जो वो चीज़ में केमिकल डालेंगे जो हम खोल के रख चुके हैं। यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से सफाई करेंगे। वैसे सफाई करते वक्त तो बहुत टाइम लग जाता है लेकिन आपको मैं फास्ट करके वीडियो को दिखा दूँगा क्योंकि ये मशीन काफ़ी ज़्यादा गंदी थी और इसको हम अच्छी तरीके से नए जैसा चमका रहे हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आगे आपको क्या करना है और कैसे करना है और मशीन किस तरीके से दिखेगी ये आपको पूरा वीडियो में प्रॉपर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हम चारों तरफ से जो है इसका जंग वगैरह सब छुड़ा देंगे और यहाँ पे अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग करेंगे। उसके बाद पानी के प्रेशर से अच्छी तरीके से धुलाई कर देंगे जिससे हमारे मशीन की जो क्वालिटी है वो एक नंबर चमकने लगे। और यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से इसको सफाई करके इसका पानी का जो है हम प्रेशर को अंदर मारेंगे ताकि इसके अंदर का जो कचरा है वो निकलना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे हम पल्सेटर को भी अच्छी तरीके से साफ कर देंगे जो कि अगर हम इसको लगाने से पहले साफ कर देंगे तो हमारा आसानी रहेगा। यहाँ पे पल्सेटर के बाद आप देखिए इसमें भी कई जगह ऐसे जो धागे लगे होते हैं इसको भी आप निकाल कर साफ कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आप इसको सफाई अच्छे से कर लीजिएगा और अंदर देखिएगा नट हो तो नट को निकाल दीजिएगा। यहाँ पे हमारा जो पल्सेटर है वो साफ हो चुका है। अब हमारा बैलेंस पट्टी है, बैलेंस पट्टी को भी अच्छे तरीके से हम साफ करने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए हमने भी अच्छे तरीके से इसको चमका दिया है और पानी का प्रेशर तो हमने वही प्रेशर जो है इस पर भी मार दिया है और दिखा इसलिए नहीं पाए क्योंकि वीडियो बनाने वाला कोई था नहीं और भाई हमारे जो थे वो सफाई कर रहे थे। तो यहाँ पे हम अच्छी तरीके से सॉकेट वगैरह में फूंक मार लेंगे या तो ब्लोअर होगा आपके पास ब्लोअर भी मार सकते हैं ताकि जो है इसका पानी निकल जाए और कनेक्टर जब भी यूज करेंगे लगाते वक्त तो इसमें पानी ना रहे। यहाँ पे हम सारे कनेक्टर को जो है कनेक्ट कर लेंगे और कनेक्ट करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे फिट कर देंगे। फिट करने के बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा कभी भी फिट करिएगा तो कनेक्टर से पानी ज़रूर निकाल लीजिएगा और जहाँ पे भी पीसीबी लगती है वो पीसीबी का बोर्ड को अच्छी तरीके से सफाई कर दीजिएगा ताकि मॉइस्चर का जो कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आप यहाँ पे उसी इस तरीके से वॉशिंग मशीन को सर्विस कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से सर्विस होने के बाद हम मशीन को चेक करेंगे और इसके अंदर से अभी कचरा निकालने के बाद जब हम स्पिन करके धुलाई करेंगे तब कितना कचरा निकलता है उसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए हमने स्पिन को शुरू कर दिया और कचरे देखिए वाव बहुत ज़्यादा कचरे इसमें से निकले हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूँ अगर जो आपका कुछ मशीन इस तरीके से कचरा निकाल रहा है तो आप यहाँ पे इस तरीके से सर्विस करके यूज कर सकते हैं। अब ये हमारा जो है जैसे ही स्पिन होगा अब हम इस पे देंगे प्रेशर की धार और इतनी तेज़ प्रेशर की धार देंगे ताकि जो भी हमारा मतलब कचरा रहे वो अच्छी तरीके से सफाई हो जाए और इसमें कोई भी दिक्कत ना रहे। तो यहाँ पे देखिए अभी थोड़ी देर में हमारा जो ड्रम है वो घूमना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारा ड्रम घूमना स्टार्ट हो जाएगा हम इस पे पानी का प्रेशर जो है वो डालना छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए ड्रम हमारा जो है कम्प्लीट तरीके से स्टार्ट हो गया है और कुछ इस तरीके से हमको इसमें प्रेशर का पाइप जो है वो मारना चाहिए ताकि अच्छे तरीके से जो है इसकी सफाई हो सके। तो वीडियो में अब आप अभी आप यहाँ पे जैसे ही खोले वहाँ से फिट कर सकते हैं। तो वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और बता दूँ आपको पहले जाते जाते अगर जो आप भी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद मिलती हो या थोड़ी सी भी नॉलेज मिलती हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पार्ट वीडियो का अच्छा लगा जो कि आपको बहुत ही पसंद है।
और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही यूजफुल कंटेंट जो है वो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।